हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में, उनका कैसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कहाँ पे हम उनकी एंट्री ले सकते हैं, क्या वो उनका एसएल हो सकता है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आज के हमारे जो दो स्टॉक है वो है, पहला जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व और जो दूसरा है वो डिवी स्लैब है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं कि इनके जो नेक्स्ट टारगेट या फिर एसएल या शॉर्टिंग के लिए या कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बजाज फिनसर्व में जाते हैं। तो बजाज फिनसर्व के अगर आप देखें तो हम यहाँ पर लगाते हैं डे का चार्ट, क्योंकि जो मेरे एनालिसिस होते हैं मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं। तो देखिए ये जो इसका रेंज है ना, 1298 से लेकर 1301 से लेकर 1280 तक, ये बहुत ही जबरदस्त इसकी स्पोर्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो यहां से एक छोटी सी रैली आई थी स्टॉक के लिए, लेकिन यहां के बाद एक इसने यहां पर एक अच्छी डोजी कैंडल फॉर्म की थी, और उसके बाद आप इसकी रैली देखिए, लगभग कम से कम यहां से 500-600 पॉइंट की एक मूव आई थी। तो अभी भी स्टॉक बिल्कुल वहां से नीचे गिरता हुआ बिल्कुल यहां पर आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ यहां पर एक अच्छी स्पॉट होनी चाहिए। अगर ये आपको स्टॉक 1300 से लेकर 1280 के बीच में कंसोलिडेट होता हुआ दिखे और उसके बाद 1300 के ऊपर तोड़ दे, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, काफी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर देखिए अब इसके हम टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखिए अभी फिलहाल अभी शायद मेरे ख्याल से ये स्टॉक लगभग 1300 के अराउंड आएगा। अगर यहां पर उसके बाद ये पिछले दिन की कैंडल का एक जो हाई है उसको तोड़कर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना देता है लाइक दिस, अगर ऐसी कोई कैंडल बन जाती है तो हम इसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाइंग करने के लिए लगभग लगभग इसी लेवल के पास 1324 के अराउंड। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 1361, 1418 और 1473 तक का जो टारगेट है वो हमें अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1280 की जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो ये रेंज है, इसको तोड़ देता है, तो हमारा जो पहला टारगेट आएगा वो 1232 का, और उसके बाद जो हमारा टारगेट आएगा 1164 का। और अगर यहां पर भी वो सस्टेन नहीं कर पाता तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा लगभग लगभग 1000 का, जो कि काफी दूर है। तो फिलहाल अभी हमें अपने जो नजदीक के ही टारगेट्स हैं उनके ऊपर ही फोकस करना है, हमें इसके ऊपर फोकस करना है मेन। अगर ये स्टॉक यहां पर आता है, यहां से एक अच्छी कैंडल बना देता है, कोई हैमर टाइप या फिर कोई अच्छी मारी बोजू कैंडल बना देता है, तो हमने उसके ऊपर एक अच्छी एंट्री लेकर एक अच्छे मूव की हम जो एक्सपेक्टेशन है वो कर सकते हैं। अगर यहां से तोड़ता है तो आपको जो नीचे का टारगेट 1234 से 1164 का टारगेट है वो आपको मिल सकता है। तो बात करें डीवी स्लैब की, तो डीवी स्लैब में एक काफी अच्छा पैटर्न बना है। अब अगर हम देखें तो देखिए ये जो स्टॉक है बिल्कुल अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहां से बिल्कुल ही सॉरी कभी लोअर लोज लोअर हाई लोअर लोज लोअर हाई बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो पैटर्न है ये काफी नीचे पैटर्न हो चुका है। और इसका अभी अगर आप यहां पर देख रहे होंगे ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बीरिश बीरिश पीनट पैटर्न। इसमें क्या होता है, देखिए जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आता है थोड़े टाइम यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करता है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आने की पूरी कोशिश करता है। तो फिलहाल के लिए ये ट्रेंड लाइन इसकी काफी जबरदस्त सपोर्ट है। अगर ये इसका ये वाला लेवल टूट जाता है 3280 का, तो आपको यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। यहाँ पर मैं एक बार लेवल भी मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर आपको एक एंट्री करनी है जिसका पहला टारगेट होगा इसका 3353 का। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहां से इसकी काफी जबरदस्त रैली आई थी और यहां तक का जो आपका पहला टारगेट मिलेगा, अगर यहां पर आपका ये इससे भी नीचे आता तो आपको 2984 का और उसके बाद 2814 का जो टारगेट है वो आपको मिल जाएगा। क्यों? इसकी काफी बड़ी प्रोबेबिलिटी इसलिए लग रही, क्योंकि ये देखिए गैप अप यहां से ओपन हुआ था, सीधा यहां से 2811 से सीधा 2984 पे ओपन हुआ था और बीच में अभी तक इसने वो गैप फिल नहीं किया। तो हो सकता है कि यहां पर गैप फिल हो जाए, अगर गैप फिल करने आ गया तो आपको जो टारगेट है 2814 का मिलेगा, 2814 पे आप बाइंग बनाकर ऊपर के टारगेट देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये जो स्टॉक है अभी बेरिश है, अगर ये बुलिश कर रहा है तो हमें लगभग इसकी जो एंट्री अच्छी वाली एंट्री जो होगी वो 3637 के ऊपर होगी। अगर उससे पहले आप एक छोटी एंट्री बनाना चाहते हैं छोटा सा रिस्क रिवार्ड लेकर, तो देखिए यहां पर एक थोड़ी कंसोलिडेशन चल रही है, तो आप एक काम को और कर सकते हैं, यहां पर एक इसकी एंट्री बना सकते हैं। जो जो फर्स्ट टारगेट आपका होगा, अगर आप छोटे टारगेट के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट आपका 3520, 3640, 3903, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा गैप बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, यहां पर कोई आपको स्पेशल कैंडल नहीं दिख रही जहां पर इसने एक कोई रिट्रेसमेंट किया हो या करेक्शन किया, तो इसके बाद आपको 3903, 3980 का जो टारगेट है वो आपको मिल जाएगा। तो सिंपली है यहां तक आप वेट करिए, यहां से मूव किया तो यहां पर आपको 3353, उसके बाद 3984 की काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बाद सीधा आपका जो टारगेट है 2814 का आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और इसे
मैं आपके लिए भी और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता हूँ। और इसके अलावा अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसके ऊपर मैंने काफी अच्छी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, तो आप वो स्ट्रैटेजीज भी देखिए, जो कि स्पेशली एक 5 EMA बोलिंजर बैंड की एक स्ट्रैटेजी है कॉफी, जो कि काफी अच्छी है। और इसके अलावा ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है, जहां पर आपको एक मैंने लाइव ट्रेडिंग में करके बता रखा है कि ये अगर आप सीख लेते हैं तो आपको हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप कभी कभी ट्रेडिंग करती हैं तो उसके लिए 5 EMA प्लस बोलिंजर बैंड की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए वीडियोस और भी अच्छे अच्छे लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।